सब्सक्राइब कीजिए मैक हैक्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए मैकिश वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। वेल फ्रेंड्स, इतना तो आप अवेयर होंगे ही कि हमारे जो फॉसिल फ्यूल रिजर्व्स हैं वो धीरे 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 खत्म हो रहे हैं, और इसी के लिए हमें जो फ्यूचर कार्स की ज़रूरत है, दैट इज़ द इलेक्ट्रिक कार्स की हमें ज़रूरत है, उनमें बैटरीज होती हैं जो चार्ज को स्टोर करती हैं और इंडक्शन मोटर की मदद से मोशन क्रिएट होता है। लेकिन इन बैटरीज को चार्ज भी करने की ज़रूरत होती है, जो एक अच्छा खासा टाइम लेता है चार्ज होने में, और आजकल की भाग दौड़ की दुनिया में इतने किसी के पास टाइम तो है नहीं। इसी के लिए नए टेक्नोलॉजीज डेवलप किए जा रहे हैं कि आप अपनी गाड़ी को चलाते हुए अपनी गाड़ी को चार्ज कर सकें, गाड़ी अपने आप चलते हुए चार्ज हो जाएगी, तो इसी के बारे में आज हम जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जय, आप देख रहे हैं मैक हैक्स। इसी नई टेक्नोलॉजी के बारे में आज सीखते हैं। ये कोई नई बात तो नहीं है कि इलेक्ट्रिक कार्स आर द अपकमिंग ब्रीड ऑफ द व्हीकल्स। यस, एग्जैक्टली। जैसे जैसे फ्यूल डिप्लीट होते जा रहे हैं, फॉसिल फ्यूल्स डिप्लीट हो रहे हैं, हमें फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज की ज़रूरत है, और इलेक्ट्रिक कार्स उन्हीं में से एक है। अब मैं बात करता हूँ कि ऐसे सिस्टम्स की जो अरेंजमेंट हमें कुछ करनी होती है इलेक्ट्रिक कार्स को चार्ज अप कराने के लिए। उसी में से एक अरेंजमेंट है, दैट इज वायरलेस चार्जिंग थ्रू पॉड्स बीनीथ द रोड। मतलब रोड के नीचे, आपको दिख रहा होगा, रोड के नीचे पॉड्स लगे हुए हैं जो कि बैटरीज को चार्ज कर रही हैं गाड़ियों की, जब गाड़ी खुद उनके ऊपर से जा रही हैं। अब ये एक आइडिया है जो कि आप समझ पा रहे होंगे कि ऐसा हो रहा है, वायरलेस चार्जिंग का कॉन्सेप्ट। अब इसके टेक्निकलिटी को थोड़ा समझ लेते हैं कि वायरलेस चार्जिंग का टेक्निकलिटी क्या है। वायरलेस चार्जिंग के बारे में आप सब जानते हैं, बस थोड़ा सा अगर समझ लेते हैं कि वायरलेस चार्जिंग जनरली रेडियो वेव्स की मदद से होता है। अब जो इक्विपमेंट है जिसको आपको चार्ज करना है, वो ट्यून कर सके उस फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो वेव पे, और एक अच्छी खासी डिस्टेंस जो है वो मेंटेन करने की ज़रूरत होती है फॉर ग्रेट एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी जो होती है वो गिर जाती है चार्जिंग की, अगर इक्विपमेंट बहुत दूर रखा हो चार्जर से और बहुत पास रखा हो। तो एक्सपेरिमेंट करके कार्स के लिए देखा गया है कि जो इलेक्ट्रिक कार्स जितनी ऊंचाई पे होती है रोड से, दैट इज़ द परफेक्ट फॉर द चार्ज, उसमें उसको 100% एफिशिएंसी लगभग मिल सकती है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं उनकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो लगभग 8 इंच के आसपास होती है रोड सरफेस से, तो दैट इज़ द आइडियल फॉर द वायरलेस चार्जिंग। अब जो रिक्वायरमेंट है वायरलेस चार्जिंग ऑफ कार्स के लिए ड्यूरिंग द रन, वो रिक्वायरमेंट कुछ खास नहीं है। एक पावर लाइन की ज़रूरत है जो ज़मीन के नीचे लगा होगा, दैट इज़ द सोर्स कॉइल, और जो ऊपर होगा वो होगा रिसीवर कॉइल जो कार्स में लगे होंगे। अब समझ लेते हैं कि वर्किंग, मैं बहुत डेप्थ में नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं आपको ओवरव्यू ज़रूर दूंगा। ये क्या है कि सबसे पहले जो सोर्स कॉइल्स होती हैं उनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराया जाता है, और उसी एनर्जी की मदद से रेडियो वेव्स जो होती हैं वो एक्टिवेट होते हैं, और सोर्स के जो कॉइल है उसके इलेक्ट्रॉन्स को वो एक्साइट करती हैं। उसी एक्साइटमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो इंडक्टर कॉइल होता है जो कि कार्स में लगा होता है, उसके इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होते हैं। और फर्दर अगर बात करें कि ये दोनों कॉइल आपस में कपल्ड होके एनर्जी का ट्रांसफरेंस करती है फ्रॉम रेडियो वेव्स फ्रॉम इलेक्ट्रॉन टू द इंडक्टर कॉइल्स इलेक्ट्रॉन जो कि कार्स में लगी होती हैं। अब जो इंडक्टर कॉइल में एक बार जब रेडियो वेव्स के कारण इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया, तो रेक्टिफायर की मदद से रेडियो वेव्स की एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के वेव्स में बदल के उसको बैटरी में स्टोर कर लिया जाता है, जो कि रन के दौरान ही हो सकता है। ये एक ओवरऑल व्यू है, आप देख पा रहे हैं पॉड्स लगे हुए हैं, कार है, कार में बैटरी है, और कार जो होती है चार्ज होती रहती है ड्यूरिंग रन। फ्रेंड्स, ऐसे ही पॉड्स को बनाए जाते हैं, अभी कैलिफोर्निया में वर्क इन प्रोग्रेस है ये चीज़, इस तरह पॉड्स को बनाए जा रहे हैं, और इन पॉड्स को फिर लगाया जाएगा ज़मीन के नीचे, और इसमें बहुत बड़ा हाथ है क्वालकॉम का। यस फ्रेंड्स, ये वही कंपनी है जो प्रोसेसर्स बनाती है, क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन प्रोसेसर जो मोबाइल्स में लगे होते हैं, इन्हीं यही साथ दे रही है वायरलेस चार्जिंग पॉड्स को डेवलप करने के लिए। फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसका, कि जो सोर्स है वो मैग्नेटाइज्ड हो रहे हैं, और फिर जो पिकअप कॉयल है जो कि कार्स में लगी है, वो उन चार्ज को लेके खुद के बैटरी को चार्ज कर रहे हैं। बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, आपको अलग से चार्जिंग टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद है कि ऐसे लेंस बहुत जल्दी हमें देखने को मिलेंगे, कुछ जगहों पर अमेरिका के ये लगाए भी जा चुके हैं फॉर द टेस्टिंग पर्पज़ ओनली, जिसमें टेस्ला जैसी कार्स खुद को चार्ज कर पा रही हैं। और एडवांसमेंट की क्या बात करूं मैं, टेक्नोलॉजी की क्या बात करूं, ये दिन प्रतिदिन एवरी डे ये नए नए पीक पे पहुंच रहा है।
फर्दर अगर मैं बात करूं कि यही था इस वीडियो में जो मुझे आपको बताना था, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी फीडबैक हो, कोई भी सुझाव हो, तो आप कमेंट में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा इस वीडियो को, बिकॉज मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज हर हफ्ते लाता रहता हूँ। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस इज मैक हैक्स, ओवर एंड आउट।